गाइस अगर आपका बजट 20,000 रुपए है और आप एक अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो गाइस इस मंथ आप कौन सा स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं 20,000 रुपए के अंदर आने वाले अच्छे फोन जो आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक सारा देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। इस लिस्ट के अंदर जो सबसे पहला स्मार्टफोन आता है वो है Redmi Note 10 Pro Max। इसका जो रेट है ये आपको 20,000 रुपए के अंदर देखने को मिलेगा। 6.67 इंच की सुपर अमोल्ड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी। 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। 5000mAh की बैटरी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है जो कि 33W की चार्जिंग के साथ आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही में इसके कैमरास की बात करें तो बैक में आपको चार कैमरा का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 108MP प्लस 8MP प्लस 5MP प्लस 2MP, और यहाँ पर आपको फ्रंट में 16MP का कैमरा देखने को मिल जाता है। इस लिस्ट के अंदर जो सेकंड स्मार्टफोन आता है वो है Realme 8 Pro। इसका जो रेट है ये आपको 18,000 रुपए के अंदर देखने को मिलेगा। गाइस इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच की अमोल्ड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 4500mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है। इस लिस्ट के जो स्मार्टफोन आता है वो है मोटोरोला मोटो G60। यहाँ पर आपको 6000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 20W की चार्जिंग के साथ ही आपको देखने को मिलने वाली है। स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस लिस्ट के नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है वो है Realme Narzo 30 Pro। Narzo के जो पहले वाले स्मार्टफोन थे वो भी काफी ज्यादा फेमस हुए थे। Realme Narzo 30 Pro के अंदर आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। 30W की चार्जिंग के साथ आप इसको चार्ज कर पाओगे। इस मोबाइल के अंदर आपको MediaTek Dimensity 800U 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। बैक में आपको चार कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, 48MP प्लस 8MP प्लस 2MP प्लस 2MP। यहाँ पर फ्रंट में आपको 16MP का कैमरा देखने को मिलेगा। इसका रेट आपको 16,000 रुपए देखने को मिल जाता है। इस लिस्ट के अंदर नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है वो है Poco X3 Pro। 6.67 इंच की डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 5100mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 860 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। बैक में 48MP का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और फ्रंट में आपको 20MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा। गाइस ये भी लगभग एक गेमिंग फोन जैसा ही है और यहाँ पर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा। 19,000 रुपए इसका प्राइस रखा गया है। इस लिस्ट के अंदर जो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है वो है Realme 8 5G। 6.5 इंच की डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये एक 5G मोबाइल होने वाला है जिसका प्राइस आपको 15,000 रुपए देखने को मिलेगा। बैक में आपको तीन कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि है 48MP प्लस 8MP प्लस 2MP। फ्रंट में आपको 16MP का कैमरा देखने को मिलेगा। MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है और ये एक 5G प्रोसेसर होने वाला है। इस लिस्ट के अंदर नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है वो है Samsung Galaxy M31s। बैक में आपको चार कैमरा का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 64MP प्लस 12MP प्लस 5MP प्लस 5MP। फ्रंट में आपको 32MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा। 6000mAh की बैटरी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, काफी बड़ी बैटरी है। Exynos का प्रोसेसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। 6.5 इंच की फुल HD प्लस सुपर अमोल्ड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसका रेट आपको 19,000 रुपए देखने को मिल सकता है, तो काफी अच्छा एक स्मार्टफोन है। इस लिस्ट के अंदर नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है वो है IQ Z3 5G। ये भी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ था। बैक में आपको तीन कैमरा का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि है 64MP प्लस 8MP प्लस 2MP। फ्रंट में आपको 16MP का कैमरा देखने को मिल जाता है। इस मोबाइल के प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 768G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसका जो प्राइस है वो आपको 20,000 रुपए के आसपास देखने को मिल जाता है। इस लिस्ट के अंदर नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है वो Realme X7 5G। यहाँ पर आपको 6.4 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। गाइस एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है, 20,000 रुपए इसका प्राइस होने वाला है। यहाँ पर आपको बैक में चार कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है जो कि है 64MP प्लस 8MP प्लस 2MP प्लस 2MP। फ्रंट में आपको 16MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा। इस लिस्ट के अंदर नया स्मार्टफोन आने वाला है वो है Vivo V20 SE। 6.4 इंच की डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बैक में आपको तीन कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा, 48MP प्लस 8MP प्लस 2MP। फ्रंट में आपको 32MP का कैमरा देखने को मिलेगा। 4100mAh की बैटरी इसके अंदर दी गई है। स्नैपड्रैगन 665 वाला प्रोसेसर इसके अंदर दिया गया है। 4100mAh की बैटरी है। 20,000 रुपए लगभग इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस ये थे वो स्मार्टफोन जो कि आप 20,000 रुपए के अंदर परचेज कर सकते हो इस मंथ। तो कमेंट करके बताना आपको कौन सा मोबाइल पसंद आया। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।